नाम भाई हम अभय सिंह हम छी अभी बावड़ी प्रखंड के तिरहुता गांव में जैसे एम पी एस विद्या मंदिर के पास छी हम स्कूल में जैसे बारी बारी से बच्चा सबसे जाने के कोशिश करबे और टीचर और से जाने के कोशिश करबे करे के बाद जैसे डायरेक्टर से जाने के कोशिश हम करब कि देख रहल ए जगह जैसे विद्या मंदिर है से, से तिरहुता में जे है जी कहे अतः है जिनकर माता पिता नहीं जैसे बच्चा फ्री में पढ़ रहल है उनका जैसे फ्री में पढ़ाओल जा ए जगह तिरहुता गाँव में तेज से ए जगह जैसे बच्चा लगभग पता चलिए कि दू सौ से बेस बच्चा और ए जगह है जैसे हज़ार पंद्रह से स्कूल स्थापित भाया एम पी एस विद्या मंदिर तेज से बच्चा सब जे से कभी कह अभी रिभु एम पी एस विद्या मंदिर के पास सर से जाने के कोशिश करबे करब सर जे है से एक से के लकलीफ सर जे है से छते जैसे सर छोटा सा परिचय दियो अपन हर नाम भेल मनोज कुमार सिंह हमारे घर भेल बउसि खरौड़ा टोल हम एम पी एस दू हजार सोलह में ज्वाइन कल अखन तक हम अ पढ़ाई हमारे एम ए क्लियर है दू हज़ार तेरह पंद्रह में एम ए क्लियर जियोग्रफी हमारे सब्जेक्ट भी है विषय और एमए नर्सरी से तक हम क्लास क्लॉस लैसी अच्छा अच्छा तब बच्चा सबके जिन पढ़वे में जब छोट छोट बच्चा जब पढ़वे छ मान लिए एक से लगभग दूसरा तीसरा पाँचवा तकली बड़ दिक्कत हो बच्चा सबके पढ़वे में तब उ है प्रॉब्लम झेले झेलिए प्रॉब्लम अँ के बच्चा के मुताबिक झेल पड़े जना बच्चा बदमाशी करे तो जैसे शांत समझा कमझाकर से बुझा बुझाकर बात से डरा के से शांत क्या फिर समझाकर पढ़ाई आ पढ़ा पढ़ा के बाद टास्क उश दिलों गार्जियन के कॉल कतौलो कई ढंग के बदमाशी कल स्कूल में और अ बच्चा के कभी समझियो हमारा स्कूल में जते टीचर छे बच्चा के समझिए प्लस कॉल के माध्यम से फोन के माध्यम से के सपोर्ट कर दैसे और गार्जियन भी एक्टिव रहे और के बच्चा रह विकास हमारा स्कूल में अधिक से अधिक कर सर से जाने के कोशिश में छो पूरा जानकारी पूरा बढ़िया जका दिल्क क्या कि के से गाँव घर में जे बच्चा सब रहे हर आई क्यू लेवल बहुत ज्यादा कमजोर रहे अब शहर के मुताबिक शहर में जो बच्चा आई क्यू लेवल बहुत स्ट्रांग रहे हर माता पिता एक्टिव रहे जगह गाँव देहात में क्योंकि कि किनकर बच्चा यदि पढ़े लाबो करे थे? तो हर माता पिता कहते जाओ ना आई बकरी चरा लिया आई भैंसी चरा लिया ठंड के मौसम में स्कूल से आबे नहीं चाहिए बहुत एहन बच्चा है कि बहुत ज्यादा ठंड लाग रहा है बहुत निक लागल सर से जाने जान से जानला के बाद चलू हम डायरेक्टर सर से बातचीत करे हमारे नाम हेमंत कुमार सिंह है स्कूल के संचालन पिछला दो हजार चौदह से हम कह रही और जो जैसे के ग्रामीण क्षेत्र में जब कोनो विद्यालय नहीं रह वहीं टाइम से विद्यालय के संचालन हम कर कह ताकि ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा कोना भेटते बच्चा ता के, के लिए जैसे संचालन शुरुआत कने और विद्यालय के जो बच्चा के माता पिता नहीं है वह बच्चा के बिल्कुल निःशुल्क है आधुनिक शिक्षा निःशुल्क है पूरा जैसे एक भी रुपया हमकस से नहीं ला और ग्रामीण एरिया में एहन स्कूल अखन तक इतिक सुव्यवस्थित नहीं है हर के विद्यालय में अभी दूसरे छात्र छात्रा पढ़ पढ़ि छः गो टीचर है एगो हेडमास्टर है एक हम अपने रह प्लस एगो आदेश पालक रह स्वच्छ वातावरण में बेहतरीन शिक्षा देवय के प्रयास लगातार करते रह हम सर जाने के कोशिश करबे कि बच्चा सबके मतलब प्रति माह जे फीस है से कते हाँ देखो फी के कोनो बड़का इशू नहीं है फी तो मान लिया पाँच सौ रुपये प्रतिमाह हम बच्चा से ले लैसी लेकिन जे से जे बच्चा बहुत सारा एहन बच्चा है जो पढ़े छे, साल सब भर से फी नहीं दी बच्चा के पढ़ा पढ़ाई क्योंकि गार्जियन पैसा में सक्षम नहीं है कुछ कमो ज्यादा ले कल आ जे बच्चा नहीं है जब माँ बाप नहीं है वही बच्चा के मान लिया हम तो बिल्कुल निःशुल्के पढ़ा बहुत बहुत धन्यवाद भाईजी कभी कैसे फ्री में अं संस्था में जैसे बच्चा सबके पढ़ाई जिनका माता पिता नहीं है वो बच्चा सबके अं अतक जैसे कोशिश कह रहे कि बच्चा के में अंदर में सुधार आवे त तो कनी पब्लिक पब्लिकों रिव्यू ले लैसी तब जाने के कोशिश करबे अगल बगल भाईजी से भाईजी की एम पी एस विद्या मंदिर में अच्छा से पढ़ाई हो बढ़िया पढ़ाई सात आठ साल से नौ साल से ही स्कूल चल रहा है बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है शायद हमारा ग्रामीण में ही पहला स्कूल छह प्राइवेट जी।, जी खुलल छे आब तक खैर दूटा तीन टा भ लेकिन वह टाइम में एक वह स्कूल छे वह टाइम में छः छः सौ पाँच पाँच सौ विद्यार्थी छे एम पी एस विद्या मंदिर के है कभी कह पब्लिक रिव्यू के बाद में पता चलल कि बहुत अच्छा मतलब फीडबैक है अत ग्रामीण इलाका में छे आ पाँच सौ रुपया में पर मंथ जो बच्चा सबके बच्चा में जैसे कभी कैसे पढ़ाई लिखाई से, से ला हर चीज़ में है से बहुत नंबर वन है हम लगभग दू हज़ार उन्नीस से आ रही तिरहुता में मगर हर समय हमारे पता चल है कि एम पी एस विद्या मंदिर के जते भी बच्चा है गुड है तो चलू हम अभय सिंह अहाँ सबसे अलविदा ला छी चलो